ऐसे बताते हैं कि भगवान की एक की जो गाय हैं उनमें से एक बहुला नाम की गाय उनको बहुत प्रिय थी। तो ऐसा भी मैंने सुना है कि जो गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय है वही यहाँ बहुला गाय बन के आई है। तो भगवान ने एक बार बहुला गाय को उसकी कीर्ति उसकी महिमा को सारे जगत में बताने के लिए एक लीला किया और उस लीला को प्रकट करने में भगवान ने इस तरह से प्रकट किया कि भगवान ने बहुला गाय की परीक्षा ली। तो एक दिन बहुला गाय चर रही थी जंगल में और उसको एक शेर ने पकड़ा, मैंने उसको पीछा किया, तो वो भागते 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 देखा है ना, तो भागते भागते गाय और जाके एक गुफा में चली गई और शेर भी पीछे पीछे आके गुफा के गेट पे ही खड़ा हो गया। अब वो गाय किधर जाए ना, तो शेर तो जैसे ही गाय को देखा कि अब तो चारों तरफ से फंस गई है, तो शेर ने तो अपना मंत्र चालू कर दिया, महाप्रसादे गोविंदे, है ना। लेकिन गाय ने देखा कि अब तो मैं गुफा में फंस गई हूँ और गेट पे शेर खड़ा है, तो गाय ने भी अपना मंत्र शुरू किया, उग्रम वीरम महाविष्णुम, है ना। अभी दोनों ने अपना अपना चालू किया, तो फिर अल्टीमेटली गाय ने शेर से प्रार्थना करी कि मेरा जो बछड़ा है वो आज दिन भर से भूखा है, मैं उसको दूध पिला के आऊँगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उसको दूध पिला दूँगी और उसको बता दूँगी और फिर मैं आ जाऊँगी। शेर ने कहा है और तो कोई मिला ही नहीं होगा मूर्ख बनाने के लिए, है ना, मैं ही मिला एक। तो गाय बोली नहीं मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। तो कैसे भी करके उसने शेर को ना मना लिया। तो गाय गई और वहाँ पे उसने अपने बछड़े को बोला, तो बछड़े ने पूछा आज इतना देर कैसे हो गया, मम्मी मम्मी इतना देर कैसे आई ऑफिस से, है ना। तो उसने बछड़े ने पूछा, तो गाय बोली ऐसे ऐसे समस्या हुआ आज और अभी मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुमको दूध पिलाने आई हूँ और मैं अभी जाऊँगी। तो बछड़े ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी चलूँगा। अब बछड़े ने दूध भी नहीं पिया, मैं पहले चलूँगा और मैं जो है अपने आप को शेर को दूंगा। तो गाय ने बहुत मना किया पर एनीवे दोनों आ गए, वो बछड़ा माना ही नहीं। तो दोनों आ गए तो शेर ने देखा, अरे वाह बहुत अच्छा हो गया। तो बछड़े ने शेर से कहा कि आप मेरे को, ये गाय तो मेरी जो माँ है तो बूढ़ी हो गई, इसका जो इतना फ्रेश नहीं है, मैं यंग हूँ, है ना, आप मेरे को खा लो पर मेरी माँ को छोड़ दो। तो शेर ने कहा ये भी अच्छा है। तो गाय ने कहा नहीं नहीं नहीं, बछड़ा है, बच्चों पे दया करनी चाहिए, छोटा सा बछड़ा है, इसके कैसे खा सकते हो आप, और ये तो बहुत कम है, इससे तो आपका पेट भी नहीं भरेगा, मेरे को खा लो। तो शेर ने कहा ये भी अच्छा है। तो फिर बछड़े ने कुछ कहा, तो फिर गाय ने कुछ कहा, तो फिर बछड़े ने कुछ कहा, तो फिर गाय ने कुछ कहा, फिर बछड़े ने कुछ कहा, फिर गाय ने कुछ कहा। शेर कहता यार वैसे ही मैं दिन भर से भूखा हूँ, तुम लोग डिसाइड करो आपस में। तो गाय का और बछड़े का आपस में इतना प्रेम देख के शेर का हृदय द्रवित हो गया और शेर ने कहा कि हम दोनों को नहीं खाएंगे, आप दोनों जाओ। और वो शेर स्वयं भगवान थे जो कि उस गाय की परीक्षा ले रहे थे। तो ये जो घटना जहाँ हुई, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम बहुला गाय से कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आज से ये जो जगह है ये बहुला वन के नाम से फेमस रहेगा। तो आप जब वृंदावन से राधा कुंड जाएंगे तो रास्ते में बहुला वन पड़ता है, आजकल उस गांव का नाम बाटी गांव है। तो बहुला वन बहुत अच्छी जगह है। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बहुला वन में गए, आपने फ़ोटो देखा होगा महाप्रभु का कि वो नृत्य कर रहे हैं और उनको गाय चाट रही है अपनी जब जीवा से और हिरण, तो वो जो महाप्रभु जब वहाँ पे कृष्ण कृष्ण करके उन्होंने जब कीर्तन किया तो उनके प्रेम से आनंदित होके वो गाय और वो हिरण महाप्रभु के शरीर को चाट रही हैं, प्रेम का आदान प्रदान वहाँ पे हो रहा है। तो वो लीला महाप्रभु की बहुला वन में ही हुई है। तो वो
लीला भी आज ही हुआ था और इसलिए आज के दिन को बहुलाष्टमी भी कहते हैं। बहुलाष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।